नमस्कार, एएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जहां आज बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यालय खजूरिया पर परिनिर्वाण दिवस के मद्देनजर तैयारियों को लेकर बैठक हुई, जिसमें गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी व बीएसपी जिला अध्यक्ष सहित नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी लोगों ने अपने अपने बातों को रखा और हर मंडल स्तर पर होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बात की। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों के विस्तृत रूप से चर्चा की गई। गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसका आयोजन हर मंडल स्तर पर किया जाएगा, जिसको लेकर आज तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई। साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को लोगों के सामने व्यक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त द्वारा दिए गए बयान, गाजीपुर लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए मुस्लिम देशों ने सप्लाई किया था पैसा और हथियार के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा बयान वही लोग देते हैं जो जनता के फैसले को स्वीकार नहीं करते। कुछ लोगों ने जनादेश का फैसला स्वीकार नहीं है, इसलिए वो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। गाजीपुर से एएस न्यूज़ के लिए आरिफ वारसी की रिपोर्ट। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस हर मंडल मुख्यालय पर मनाया जाए और इसी की तैयारी के सिलसिले पर आज ये जिला मुख्यालय बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर ये बैठक आहूत की गई थी। जिला अध्यक्ष महोदय और पार्टी के सभी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष लोगों ने बैठ कर और हमारे जो सेक्टर से आए हुए सेक्टर के पदाधिकारी हैं और जिला कमेटी के लोग हैं, सब लोगों ने बैठ करके मंडल पर गाजीपुर की भागीदारी और कैसे चलना है, क्या करना है, इन सारे सवालों पर बात और चर्चा की गई। उसी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन उपलब्धियों को और आज़ाद भारत के उस संविधान में जिसमें गरीबों के लिए और समाज के हर वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो प्राविधान किया है, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा। बलिया के सांसद ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गाजीपुर लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए विदेशों से फंडिंग हुई है और हथियार की सप्लाई हुई है, इस पर क्या कहना है सर आपका? देखिए, मैं उनके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ या और भी कोई ऐसा सवाल खड़ा करता है तो जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जनता देख रही है। जो लोग जनादेश को नहीं स्वीकार करते वो इस तरह की बातें करते हैं और जनता का जो जनादेश है उसे उन्हें पचाना चाहिए। अब उनको पच नहीं रहा है तो हम उसके बारे में उनका उत्तर नहीं।